आप सुनेंगे केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन और क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत के वैज्ञानिक और चिकित्सकों से दिलीप झा द्वारा ली गई भेंट वार्ता। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कई केंद्रीय और क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कार्य करते हैं। इसमें क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत उत्तर पश्चिम हिमालय के औषधीय पौधों पर अनुसंधान के लिए भारत का अग्रणी अनुसंधान संस्थान है। संस्थान का उद्देश्य उत्तर पश्चिम हिमालय के औषधीय पौधों के वितरण और उपलब्धता का आकलन करना और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से केसर और अन्य औषधीय पौधों की खेती के लिए आवश्यकता आधारित प्रौद्योगिकी विकसित करना और औषधीय पौधों पर उनके उपयोग के लिए स्थानीय पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करना है। संस्थान की स्थापना शुरुआत में 1964 में औषधीय पौधों के सर्वेक्षण के लिए एक अनुदान सहायता इकाई के रूप में की गई थी। संस्थान के पास मेहरूरी बागेश्वर उत्तराखंड में एक कस्तूरी मृग फार्म है। स्थानीय समुदाय के लिए आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से विभिन्न रोगों का उपचार 5 मई 2015 से संस्थान परिसर में शुरू किया गया था। डॉक्टर तरुण कुमार ने कहा, नमस्कार। पंचकर्मा जो है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का एक पार्ट है, जिसमें एक पांच तरह की चिकित्सा है। पंच मतलब पांच, कर्म मतलब क्रियाएं, पांच तरह की हम चिकित्साएं इंक्लूड करते हैं। इन चिकित्साओं का जो मेन उद्देश्य होता है, ये हम स्वस्थ पुरुष के लिए भी यूज करते हैं, साथ ही जो बीमार व्यक्ति हैं, जो रोगी हैं, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। पंचकर्मा में जो बेसिकली पांच ट्रीटमेंट्स में वमन, जिसको बोलते हैं वॉमिटिंग के द्वारा हम दोषों को बाहर निकालते हैं। फिर आता है विरेचन, जिसमें लूज टूल के द्वारा हम लोग दोषों को बाहर निकालते हैं। एक होता है नस्य, नस्य में हम नाक में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, जिसके द्वारा दोषों को हम बाहर निकालते हैं। इसके अलावा दो तरह की ट्रीटमेंट और आती हैं, जैसे अनीमा बोलते हैं, वैसा ही आयुर्वेदिक अनीमा होता है, जिसमें मेडिकेटेड ऑयल अनीमा, जिसको अनुवासन बस्ती बोला जाता है, और डिकॉक्शन अनीमा, जिसको निरु बस्ती बोला जाता है। तो ये पांच तरह की क्रियाएं हैं। इसके अलावा एक क्रिया और भी कई बार इसमें जोड़ दी जाती है, जिसको रक्तमोक्षण कहते हैं, जिसमें हम शरीर का जो खून होता है, दूषित खून, उसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये एक सेट है पंचकर्मा चिकित्साओं का। इसमें जैसा मैंने बताया कि हम इसको स्वस्थ पुरुष के लिए भी यूज करते हैं। पूरे साल भर में अलग अलग सीजन्स होते हैं, जिसमें हम पंचकर्मा का पेशेंट को हम दे सकते हैं। दूसरा, जो रोगी होते हैं उनके रोग के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन से रोग के लिए, कौन से पेशेंट के लिए कौन सा पंचकर्मा चिकित्सा हम लोग देते हैं। तो जहाँ पर हम स्वस्थ पुरुष की बात करते हैं कि जो स्वास्थ्य है उनको ये पंचकर्मा लेना क्यों जरूरी है, तो जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में हम टाइम टू टाइम सर्विसिंग जरूरी होती है, वैसा ही हमारा जो शरीर है, दूषित खान पान की वजह से या जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारे जो दोष हैं वो कहीं ना कहीं इम्बेलेंस होते हैं, जिसको हम आयुर्वेद का जो स्तंभ बोलते हैं वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद दोष हैं। ये जब बैलेंस में रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जब इसमें इम्बेलेंस हो जाता है तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। तो जो साल भर हम क्रियाएं करते हैं, जो हमारा डेली रूटीन होता है, जो खान पान होता है, उसकी वजह से कई बार दोष इम्बेलेंस में आ जाते हैं, और ये पंचकर्मा बॉडी सर्विसिंग, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, उसका एक जरिया है। ठीक है, पंचकर्म तो बहुत जरूरी है, तो ये कितनी तरह का होता है और किस समस्याओं के निदान में ये अधिक महत्वपूर्ण है कि ये बहुत जरूरी है? तो जो हम डिसाइड करते हैं पंचकर्मा, जैसा मैंने बताया, स्वस्थ के लिए होता है पूरे साल भर में। उसमें एक वसंत ऋतु आता है, वसंतिक वमन हम लोग बहुत फेमस है, इस तरह का हम लोग कैंप भी लगाते हैं। तो वसंत ऋतु में, क्योंकि कफ दोष ज्यादा कुपित रहता है, ये नेचुरली ही कुपित रहता है, तो उसको निकालने हेतु वसंत ऋतु में वमन हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जितने स्वस्थ लोग हैं उनको वसंत ऋतु में वमन कराना ही चाहिए। इसी तरह से शरद ऋतु आता है, शरद ऋतु में विरेचन हम लोग करते हैं। एक बार आपने वमन करा लिया वसंत ऋतु में, और उसके बाद शरद ऋतु में आपने विरेचन करा लिया, तो आपका जो शरीर है, जो एक अनमोल एक मशीन है, उसका आप समझ लीजिए कि सर्विसिंग हो गई है। फिर आया कि कौन से रोगों में हम लोग, जैसा आपने कहा, तो ये तो स्वस्थ वाली बात हो गई। अब जो रोगी हैं, रोगियों में भी हम लोगों ने दोष के अनुसार रोगों को डिवाइड किया हुआ है। वात पित्त कफ, वात अगर किसी में कुपित हो जाता है, वात मतलब होता है कि जो हमारा न्यूरोजेनिक चीजें हैं या मस्कुलोस्केलेटल जो भी डिसऑर्डर्स हैं, उसमें अगर कोई कुपित हो जाता है, उसमें इम्बेलेंस हो जाता है और वात बढ़ जाता है, तो ऐसे डिजीज में हम लोग जो बस्ती ट्रीटमेंट है, निरु बस्ती और अनुवासन बस्ती, जो अनीमा जिसको बोलते हैं, वो उसमें ज्यादा लाभदायक होता है। फिर किसी में अगर कफ बढ़ जाता है, जैसे कि ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट होते हैं, या कुछ ऐसी डिजीज होती है जिसमें कफ प्रकोपित हो जाता है, ऐसी डिजीज में हम वमन की तरफ जाते हैं। इवन एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, या फिर कोई स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, स्किन डिसऑर्डर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें एक में पित्त कुपित होता है और एक में कफ कुपित होता है। तो वैसे स्किन डिसऑर्डर्स जिसमें कफ ज्यादा कुपित होता है, उनके लिए हम वमन
देते हैं, वमन मतलब वॉमिटिंग वाला। फिर आता है विरेचन, किसमें देते हैं विरेचन, जो मोस्टली पित्त विकार होते हैं उसमें हम विरेचन के लिए जाते हैं। जैसे कोई रैशेज हो गए, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए जिसमें पित्त प्रधान है, जलन होती है बॉडी में, ऐसे रोगियों में हम विरेचन की तरफ जाते हैं। फिर नस्य, जितने भी ऊर्ध्व चतुर्गत मतलब हमारे जो क्लेविकल से ऊपर सिर के जो मेन रोग होते हैं उसमें हम नस्य देते हैं। जैसे अगर किसी को मान लीजिए एलर्जिक राइनाइटिस ही है, उसमें नस्य का बहुत अच्छा रोल है। बार बार किसी को सर्दी खांसी होती है, जुकाम ज्यादा होता है, उसमें नस्य का बहुत अच्छा रोल है। फिर अगर किसी को मानसिक परेशानी है उसमें भी नस्य का बहुत अच्छा रोल है। जो फेशियल पैरालिसिस होता है, फेशियल पाल्सी हो गया, फेशियल नर्व क्योंकि सिर से रिलेटेड है, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया हो गया, ऐसे रोगों में, या पैरालिसिस हो गया किसी को, पक्षाघात जिसको बोलते हैं आम भाषा में, तो ऐसे रोगों में नस्य बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये पांच जो कर्म है ये इन इन रोगों से संबंधित होते हैं। तो जो नए वैज्ञानिक अनुसंधान है वो किस तरह के हो रहे हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में, और उनका आगे क्या भविष्य है? पंचकर्मा के जो कंसेप्ट हैं, क्योंकि वो पुराने समय के अनुसार बताए गए थे आचार्यों ने, और क्योंकि पुराना जो खान पान था वो अलग था, पुराना जो बॉडी बिल्ड था वो अलग था, जो लोगों की प्रकृति थी उस टाइम पे अलग थी, तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में पंचकर्मा के सिद्धांत कितने वैलिड होते हैं। एक श्लोक हमारा पंचकर्मा के लिए बहुत मशहूर है जिसमें ऐसा बोला जाता है, दोषा कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाच नहीं जिता संशोधने यर्तु न तेषां पुनरुद्भवः। इसका मतलब है कि अगर दोष अल्प मात्रा में कुपित होते हैं तो हमारा जो लंघन और पाचन वाले, जो लंघन मतलब जो फास्टिंग है या कोई ऐसे मेडिसिन हम यूज करते हैं जो डाइजेशन और इस तरह की चीजें करते हैं, उससे हम उसको जीत सकते हैं। परंतु अगर उन मेडिसिन के साथ आप संशोधन या पंचकर्मा जोड़ दें और ऐसे पेशेंट को पंचकर्मा आप करा दें तो ये रोग दोबारा शरीर में कभी नहीं होते हैं। पंचकर्मा का इतना इम्पोर्टेंस रोल है। तो अब हमने तो कह दिया कि पंचकर्मा करने से वो पुनरुद्भव नहीं होता है, पर क्या वो सही में सही है? और क्योंकि आजकल क्या है कि एफिकेसी बेस बहुत बातें होती हैं कि आप कितने एफिकेसी देते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं कि पंचकर्मा चिकित्सा से इस रोग में कितनी एफिकेसी हम लोगों ने जनरेट की है, और वो डाटा हम पब्लिक के साथ आर्टिकल के थ्रू या जर्नल के थ्रू हम शेयर करते हैं। उसके बाद पंचकर्मा के जो कंसेप्ट हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो हम चीज़ें यूज करते थे वो पुराने परिप्रेक्ष्य में पुराने उसमें थे, पर आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो हम उन यंत्रों पर कि जो पंचकर्मा के हम यंत्र यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम वमन करा रहे हैं, वमन में क्या है, वॉमिटस बाहर आ रहा है, वॉमिटिंग करके बाहर आ रहा है, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला है कि वॉमिटस के द्वारा दोष बाहर आते हैं, लेकिन जब हम वमन कराने के बाद उस वॉमिटस का टेस्टिंग करेंगे तब पता चलेगा कि असली में अंतर क्या होता है जो एक नॉर्मल वॉमिटस होता है और इसमें। तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसमें हम ये टेस्ट कर सकते हैं, तो इस तरह के टेस्ट हम लोग पंचकर्मा से संबंधित भी चालू है, जो हमारा CCRS है जो मेन हेडक्वार्टर है उसके द्वारा भी समय समय पर ऐसी अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जाती है। CCRS का जो उद्देश्य वो यही है कि जो आधुनिक तकनीकें हैं उनको इस्तेमाल करके जो पुराने आयुर्वेदिक सिद्धांत हैं उनको हम वैलिडेट करें, एस्टेब्लिश करें, और उसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें कि वो आम भाषा में उसको एक्सेप्ट किया जाए, साथ ही ग्लोबली उसको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में जो चीज़ें वैलिड हैं, जो चीज़ें यूज करते हैं लोग, उन्हीं पैरामीटर्स को लेके हम भी वो चिकित्सा में और अनुसंधान में उनको यूज करते हैं, और चिकित्सा करने के बाद वो हम बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट वो पैरामीटर्स हम देखें। डॉक्टर तरुण कुमार जी, आपने पंचकर्म, उसकी विभिन्न विधाएं, उस पर चल रहे आधुनिक अनुसंधान, इन सब की बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्थान का उद्देश्य आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा अनुसंधान करना है। संस्थान देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की विभिन्न रोग स्थितियों पर चिकित्सा अनुसंधान परीक्षण आयोजित करने के अलावा आम जनता की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को भी पूरा करता है। डॉक्टर हरित कुमार ने चिकित्सीय जानकारियों के लिए कहा, मैंने शल्य तंत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैं एक शारसूत्र विशेषज्ञ भी हूँ। तो एक जो मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि जिसके कारण आजकल गुदा रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जीवन शैली में लंबे देर तक एक जगह बैठना, जंक फूड खाना, स्मोकिंग, इन वजहों से क्या है आजकल के गुद रोग बहुत बढ़ रहे हैं। पर एक समस्या और आती है कि लोग गुद रोगों को छुपाते हैं, जो एनोरेक्टल डिजीजेज हैं उसको छुपाते हैं, वो इतना क्लियरली बता नहीं पाते, खासकर कि महिलाएं जो हैं अपनी इन बात को छुपाती हैं। महिलाओं में भी क्या होता है, प्रेगनेंसी की वजह से कभी कभी फिशर और पाइल्स जैसी समस्याएं होती हैं, और पुरुषों में भगंदर जैसी समस्याएं भी होती हैं। लोग इसको खुलकर बता नहीं पाते, उस वजह से क्या होता है कि वो बीमारी जो है वो बढ़ती रहती है और एक क्रॉनिक रूप ले लेती है नहीं बताने की वजह से।
बट अगर हम शुरू में ही इलाज इसका ले लेंगे तो उसकी चिकित्सा आसानी से की जा सकती है और रोग से हम मुक्ति पा सकते हैं। अब जैसे हम लोग आयुर्वेद में सबसे पहले एक चीज कहते हैं निदान परिवर्जन। अगर बीमारी जल्दी अगर हमारे सामने आ जाएगी तो निदान परिवर्जन जो कारण है हम उसको छोड़ देंगे तो काफी हद तक जो बीमारी है वो उसी से ठीक हो जाएगी। बाकी अपनी जीवन शैली में हम लोग थोड़ा सा चेंज बताते हैं और साथ में हम लोग कुछ दवाइयां देते हैं। रही बात क्षार सूत्र की, क्षार सूत्र जो है बेसिकली भगंदर की चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता है। भगंदर क्या है? भगंदर एक ऐसा रोग है इसमें रोगी को पता नहीं चल पाता है, उसको ऐसा लगता है कि सामान्य से फुंसी है गुदा रोग के आसपास जो ठीक हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। वो जो फुंसी है वो क्या करती है, वो रास्ता ना लेटरिन के रास्ते के अंदर से भी बना देती है, तो पूरा एक ट्रैक फॉर्म कर देगी। छुपा के रखते हैं उस बीमारी को, बताएंगे नहीं डॉक्टर को जाके, जल्दी दिखाते नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है वो और लंबा अपना ट्रैक बना लेती है अंदर तक और लैट्रिन के रास्ते के अंदर से एक रास्ता बाहर के साथ जुड़ जाता है। तो वो जो है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हम कह सकते हैं क्योंकि इसका इलाज हर जगह संभव नहीं है। क्षार सूत्र से हम लोग इस ट्रैक में एक मेडिकेटेड थ्रेड, औषधि लगा हुआ धागा इस पूरे रास्ते में डाल देते हैं। उससे क्या होता है ये रास्ता धीरे धीरे कट के अपने आप हीलिंग भी हो जाती है और वो रास्ता पूरा भर जाता है। बट जब हम एलोपैथी में जाते हैं यूजुअली क्या होता है कि इसमें ऑपरेशन सर्जन बताते हैं बट इसके सक्सेस रेट थोड़े कम है। उस वक्त तो ठीक हो जाएगा बट कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद दोबारा से वो बीमारी उभर के आती है अगर हम ऑपरेशन कराते हैं। बट क्षार सूत्र में ऐसा नहीं है, काफी ज्यादा केसेस में रिकरेंस देखने को नहीं मिलता, मतलब दोबारा से इसकी उत्पत्ति देखने को नहीं मिलती है। एक बार आप क्षार सूत्र का ट्रीटमेंट कराएंगे तो बहुत चांसेस है कि दोबारा ना हो। ये जो है सर्जरी भी नहीं कहेंगे हम इसे, एक पैरा सर्जिकल प्रोसीजर है, एक जिसमें दैनिक कार्य भी पेशेंट अपना कर सकता है। धागा जब हम डाल देंगे रास्ते में तो धागा हफ्ते हफ्ते बदला जाएगा और जब तक वो रास्ता पूरा नहीं कट जाता तब तक हम हर हफ्ते वो धागा बदलेंगे और वो धागा खुद से रास्ता काट करके गिर जाएगा। तो ये है क्षार सूत्र चिकित्सा जिसमें हम लोग डेली अपना दैनिक रूटीन वर्क है वो भी हम रेगुलरली कर सकते हैं। फिशर का मेन कारण है हार्ड स्टूल्स आना, कॉन्स्टिपेशन रहना। आजकल ये बहुत सामान्य बीमारी है, बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि खान पान आजकल का ऐसा हो गया है। तो उस वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है, खासकर महिलाएं ऐसी हैं जिनको फिशर की परेशानी है। उस फिशर में भी क्या होता है लैट्रिन के रास्ते में एक हल्का सा कट लग जाता है, उस वजह से क्या होता है जब मरीज जो है सुबह शौच के लिए जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा उसको दर्द का सामना करना पड़ता है। तो वो भी एक ऐसी कंडीशन है, उसका इलाज भी हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत में। तो इसके लिए मरीज हमारे पास जितना जल्दी आए, मैं सभी से ये कहूंगी कि अगर किसी को थोड़ी भी परेशानी है तो एक बार आके जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। आगे समय में किस तरह की और अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता आपको एज ए विशेषज्ञ के तौर पर लगती है? सर ऐसा है कि जो इन्वेस्टिगेशन की जो आप बात कर रहे हैं उसकी जरूरत तो हमें भी होती है, तो जो खून की जांचें हैं या फिर MRI की जरूरत है या फिस्टुलोग्राम की जरूरत है तो ये सब हम करवाते हैं। दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद जो है ना वो शाश्वत है, आयुर्वेद जो है बहुत पुराना विज्ञान है और उसी विज्ञान को हम दोबारा उसको रिसर्च कर रहे हैं। तो उसमें जो क्षार सूत्र है ये उसी रिसर्च का ही रिजल्ट है। जो हम क्षार सूत्र का इस्तेमाल आज भगंदर में कर रहे हैं, हम उसको पाइनोनिडल साइनस, नाड़ी व्रण जिसको बोलते हैं, उसमें भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और कई रोगों में फिशर में जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब रिसर्च का ही रिजल्ट है। और नई दवाइयों की खोज भी हम लोग कॉम्बिनेशन ऐसे बना के देते हैं कि मरीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो वही अनुसंधान हम यहाँ भी करते हैं। अनुसंधान की तरह से आप एक चिकित्सा उपलब्ध करा रही है और ये अल्मोड़ा जिले का ये जो क्षेत्र है उत्तराखंड का ऐसा क्षेत्र है जहाँ या तो लोग एज ए टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, या यहाँ के लोग रोजगार के अभाव में या विशेष स्वास्थ्य चिकित्सा के अभाव में ही बाहर की ओर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जो चिकित्सा है, आपका ये अनुसंधान केंद्र है, लोगों का इसके प्रति विश्वास किस तरह आपको लगती है? लोगों को बहुत विश्वास है यहाँ पर। ऐसा है कि जब हम चिकित्सा एक इंसान को उपलब्ध कराते हैं और उस मरीज को बहुत लाभ हुआ तो वो आगे जाके अन्य लोगों को भी कहता है कि आप चिकित्सा के लिए बहुत दूर दराज ना जा करके आप अपने पास वाले संस्थान में जाइए। तो ये क्या होता है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, जब एक मरीज ठीक होके जाता है तो आगे फिर उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो हम भी ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करते हैं कि मरीज यहाँ आए, जैसे हम पास के क्षेत्रों में कैंप लगाते हैं, लोगों को इस बारे में जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप आइए अपना इलाज कराइए, और जितना पॉसिबल हो सकता है हम उन्हें ज्यादा दिन की दवाइयां दे करके उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने एक ऐसी समस्या के बारे में बात की जो प्रायः लोग छुपाने की कोशिश करते हैं और आपने बहुत ही विस्तृत रूप से और उसका एक वैज्ञानिक तरीके से इलाज की बात की और एक अनुसंधान का भी जिक्र किया इन क्षेत्रों में जो क्या आवश्यकता है, किस तरह से आप लोग कार्य कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
वाचन स्वर शालिनी मित्तल, प्रस्तुतकर्ता दिलीप झा।